शास्त्र का कथन है धर्म धारयति इति प्रजा, जो प्रजा है उसको धर्म का अनुशीलन करना चाहिए, धर्म को धारण करना चाहिए। जिस प्रकार से वस्त्रों को धारण करते हैं, कपड़ों को धारण करते हैं, आभूषण को धारण करते हैं, तो वास्तविक रूप से धर्म को धारण करना चाहिए। अभी हमने धर्म का परित्याग कर दिया, धर्म को उठा के अलग रख दिया, इसलिए दुर्गति हो रही है। समाज में सुख तभी संभव है जब सब अपने धर्म का अनुशीलन करें, धर्म को पालन करें। और परो धर्म, श्रीमद् भागवत में बताया दूसरे स्कंद में, पहले अध्याय, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में, परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षते, सारे धर्मों से श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है भगवान अधोक्षज, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की भक्ति करना, सारे धर्मों से श्रेष्ठ है। भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्व धर्मान परित्यजम मामेकम शरणम व्रज, सबसे श्रेष्ठ धर्म है भगवान, जो कहते धर्मत्व साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म क्या है? जो भगवान ने कहा है, जो भगवान का आदेश है, वही धर्म है, वही धर्म है। इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड, भगवान का आदेश ही श्रेष्ठ धर्म है। नाना प्रकार के धर्म है, गृह धर्म है, पत्नी के लिए अलग धर्म है, पति के लिए अलग धर्म है, पुत्र के अलग धर्म है, पिता के लिए अलग धर्म है, नेता के लिए अलग धर्म है, परंतु ये सारे तात्कालिक धर्म है, आनुषंगिक धर्म है, ये परो धर्म नहीं। परम धर्म एक है, वो है भगवान के चरणों में शरणापन्न होना। यह आत्मा का धर्म है। प्रत्येक जीवात्मा, एवरी लिविंग एंटिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, करेक्ट। एवरी लिविंग एंटिटी, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, अंश है, ठीक है। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा अंश का स्वभाव है पूर्ण की सेवा करना। वापस बोलिए, अंश का स्वभाव है पूर्ण की सेवा करना। जैसे आपका बच्चा है वो आपका अंश है, आपका बच्चा आपका अंश है, तो अंश का स्वभाव है पूर्ण की सेवा करना, आपकी सेवा करना उसका स्वभाव है। नहीं करने पर कहते हैं नालायक निकल गए बच्चे, क्या कहते हैं? नालायक। तो भगवान पूर्ण है, भगवान के हम सब अंश हैं, अहम सर्व बीज प्रदक पिता, भगवान पिता हैं, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, तो उनकी सेवा को छोड़ना मतलब अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करना, धर्म के विपरीत जाना, ओके, दिस इज नेचुरल एवरीवन। यह आत्मा का धर्म है, प्रत्येक जीवात्मा, इसलिए इसको सनातन धर्म कहा जाता है, सनातन इटर्नल, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, आत्मा इटर्नल है, और आत्मा का स्वभाव भी इटर्नल है। परंतु इसमें कभी कभी मिलावट आ जाती, जैसे शुद्ध दूध में पानी मिला दिया जाए, तो उसी प्रकार से जो आत्मा का ये स्वभाव है, आत्मा का जो धर्म है, उसमें कभी कभी व्यतिरेक होता है। ये व्यतिरेक क्यों होता है? इसके कारण है, शास्त्र में बताया गया इसके कारण है,
जैसे शास्त्र के में धर्म के चार पांव बताए गए, फोर लेग्स, धर्म चार पांव पर, धर्म जो है चार पांव पे खड़ा होता है। यहां पर माता धरती धर्म को कह रही है, माता धरती धर्म से कह रही, माता धरती एक गाय के रूप में है, माता धरती एक गाय के रूप में और धर्म एक बैल के रूप में, ठीक है। तो धरतु वाच जैसा हमने पहला पढ़ा है, धरित्री बैल को जो धर्म का रूप है उसको बता रही है, कह रही है देखो एक दिन था जब आप भी अपने चारों पांव पर खड़े थे, आप भी खड़े थे, मैं भी चारों पांव पर खड़ी थी। वो सतयुग का समय था और आज इतनी दुर्गति है, मैं एक पांव पर खड़ी हूं और वो भी काटा जा रहा है। तो ये चार पांव क्या है ये जानने की आवश्यकता है। शास्त्र में बताया गया पहला पांव है दया, पहला पांव है दया। सतयुग में लोग सभी दयालु थे, ये स्वभाव था। और फिर त्रेता में एक पांव कट गया, लोगों के हृदय से दया समाप्त हो गई, क्रूर हो गई। और फिर सत्यम धीरे धीरे जैसे जैसे त्रेता युग बढ़ते गया सत्य की समाप्ति होने लगी। और फिर तपस्या, लोग तपस्वी थे द्वापर युग तक, परंतु तपस्या भी समाप्त हो गई। अब कलयुग में सिर्फ एक पांव बचा है, कलयुग में से एक पांव बचा है, वो है सफाई, क्लीनलीनेस। इसलिए इतनी आवश्यक है ये सफाई हृदय के अंदर भी और हृदय के बाहर भी। हृदय के बाहर हम करते हैं डेली, हम सफाई करते हैं झाड़ू लेके पोछा लेके, परंतु अंदर भी ये सफाई प्रतिदिन करने की आवश्यकता है। और अंदर की सफाई प्रतिदिन हम करते हैं, एक भक्त करता है भगवान के दिव्य नामों के जप के द्वारा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करें, सफाई करें, क्लीनलीनेस। व्हाट क्लीनलीनेस? बिकॉज आवर माइंड आवर कॉन्शियसनेस इज गेटिंग डर्टी एवरी डे बाई सीइंग सो मच नॉनसेंस एवरी डे, राइट? एवरी थिंग यू आर सीइंग इज हैविंग सम इम्पैक्ट, सम इफेक्ट ऑन द कॉन्शियसनेस, इज पॉल्यूटिंग द कॉन्शियसनेस, राइट? न्यूज़पेपर देखते हो, फोन देखते हो, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, मीडिया है, रास्ते में चलते हैं, ठीक है ना? लोगों को देख करके मन में गलत विचार आते हैं, भावनाएं दूषित हो जाती हैं, सत्य कि नहीं है? सत्य। आप नहीं चाहते हो परंतु ऐसे विचार आते हैं, है ना? तो ये जो प्रदूषण हो रहा है इसको भी शुद्ध करने की आवश्यकता है। आप कह सकते हो प्रभु जी मैं तो साधु हूं, अरे साधु को और ज्यादा जरूरत है, साधु को और ज्यादा जरूरत है। हाँ, रावण के मन में गलत विचार है तो कोई उसका बुरा मानेगा क्या? अरे और आओ, हैं? वेलकम। प्रॉब्लम किसके लिए है? साधु के लिए, साधु के लिए। आप कहते हो नहीं प्रभु मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो साधु हो गया हूं, मैं तो सबको ही मेरे को कहते हैं प्रभु आप तो बड़े जानिए। हाँ,
ठीक है। इसलिए शास्त्र में बताया साधु सावधान, क्या कहा? साधु सावधान रहना साधु को। दुष्ट को क्या सावधानी का जरूरत है, क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है? हैं, हो गया तो हो गया, तो करते ही रहते, राइट? सावधान किसको रहना है? साधु को। साधु को। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बताया चार नियम। कई लोग कहते हैं प्रभु जी शास्त्र में भगवान के नाम का जप तो बताया गया, ठीक है, परंतु आपके ये इस्कॉन वाले ये चार नियम की बात क्यों करते हैं, इससे क्या होना है? कहते हैं हम दवाई खाऊंगा परंतु परहेज नहीं करूंगा, क्या है? दवाई खाऊंगा, मेरे को दवाई दो डॉक्टर साहब, दवाई दो निमोनिया की, दवाई दो परंतु आइसक्रीम खिलाओ, डायबिटीज की दवा दो परंतु डेली हलवा खाना है, और फिर कहो दवा काम नहीं कर रही। प्रभु दवा तो डेली ले रहा हूं मैं तो, नियम से दिन में आपने तीन बोला था, मैं तो चार बार भी ले लेता हूं, परंतु हलवा जो है छह बार खाता हूं और एकमात्र हलवा ही खाता हूं, दूसरा मेरे को पसंद ही नहीं है। अब बताओ दवाई का कोई गलती है क्या? हैं? इज देयर एनी रीजन? अरे भाई आप गलती कर रहे हो, आप परहेज नहीं कर रहे हो तो दवा कैसे काम करेगी? दुनिया की श्रेष्ठ दवा भी आपके ऊपर कोई कार्य नहीं करेगी। उसी प्रकार से आप नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति कर रहे हैं, सुनते भी हैं, परंतु यदि नियम नहीं करेंगे तो कोई भी लाभ नहीं होगा। गाड़ी आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी, पीछे की तरफ सरकते रहेगी, समझे? हाँ, इसलिए ध्यान से समझिए, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा नो मीट ईटिंग, क्योंकि शराब मांसाहार से दया नष्ट हो जाती है, मांसाहार करने पर दया नष्ट हो जाती, जुआ खेलने से सत्य बोलने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा? नो गैम्बलिंग। क्या कहा? नो गैम्बलिंग। जुआ से सत्य और नशे के द्वारा तपस्या। जो व्यक्ति नशा करेगा वो किसी भी प्रकार से तपस्या नहीं कर सकता है, ठीक है? और फिर अवैध संग से स्वच्छता समाप्त हो जाती है, इलिसिट सेक्स। इसलिए इस्कॉन में कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने हमको ये चार नियम दिए। दोनों बातें होती है, यम नियम, यम नियम, क्या करना है क्या नहीं करना है। करना है प्रतिदिन भगवान के नाम का जप, करना है भगवान के नाम का जप, हाँ, और नहीं करना है धूतम पानम स्त्रियम सूना, ये चार चीज नहीं करनी है। जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, तो दोनों बात को लेकर चलिए, तब जाके असर मालूम पड़ेगा। मैं एक काम कर रहा हूं दूसरा नहीं करूंगा, कहां से असर मालूम पड़ेगा? और फिर आप कहोगे दवाई गलत थी प्रभु, आजकल तो सब मिलावट की आती है, एक्सपायरी डेट हो गई होगी, ठीक है ना? एक्सपायरी डेट नहीं हुई, इस दवाई की कभी एक्सपायरी होती ही नहीं है, इस दवाई की एक्सपायरी डेट बनी नहीं है, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, समुद्र सूख जाएंगे, पर्वत राई बन जाएंगे, परंतु इस दवा की एक्सपायरी डेट नहीं होगी, समझ गए? सूर्य ठंडा हो सकता है, चंद्रमा गर्म हो सकता है, संभव है, परंतु इस दवा की एक्सपायरी संभव नहीं होगी। नाम नाम कार्य बहुधा सर्व शक्ति,
हे भगवान, आपने अपनी स्वयं सारी शक्ति को इस नाम के अंदर संचित कर दिया, इस नाम में जमा कर दिया और वो नाम दिया मधुर नाम अवतार तुम्हारा दीन जनन का आधारा। बोलिए मधुर नाम अवतार तुम्हारा दीन जनन का आधारा। नाम नामी में भेद न कोई, नाम नामी में भेद न कोई, नाम नामी में भेद न कोई, नाम नामी में भेद न कोई। कीजिए कृपा ओ मुरारी, कीजिए कृपा ओ मुरारी। नाम नामी में कोई भेद नहीं है, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इस दृढ़ विश्वास के साथ भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है सुखी जीवन का रहस्य, यह है कलयुग के प्रभाव से बाहर निकलने का सबसे सटीक तरीका और धर्म को चारों पांव पर स्थापित करने का ढंग। आज जो दुर्गति हो रही है क्योंकि हम अपने धर्म का अनुशीलन नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के अनुगत होइए, इन नियमों को पालन कीजिए, भगवान के दिव्य नामों का जप कीजिए और देखिए पूरा पूरा लाभ मिलेगा, कंप्लीट बेनिफिट। ठीक है, हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय।